तो अभी तो आ चुके हैं ट्रिलियम, अभी एंटर करते हैं। तो ये बिल्डिंग है इसकी, ऊपर ही रोड आ जाती है। चलो चलते हैं आज फिर कहीं अमृतसर में घूमने अपनी छोटी सी गाड़ी स्प्लेंडर पर। स्टार्ट तो हो चुका है, सबसे पहले गेट ओपन करना पड़ेगा। लाइट भी चल रही है तो जाते हैं। ये खोला और बोर हो रहा है, साथ में नया घर बन रहा है। चलो चलते हैं, टाइम तो हो चुका है, 3 बज चुके हैं। तो अभी हम जाते हैं कहीं घूमने अमृतसर, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी सी तो जरूरत पड़ेगी। तो चलो थोड़े से पैसे निकालते हैं। कहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें या आगे से निकालें? काफी एटीएम आ जाएंगे, रोड पर तो आ गए हैं। आगे से ही देखते हैं कहीं अच्छा सा एटीएम जिससे तुरंत सेकंड में निकल जाए। तो चलो लेट्स गो। चलो भाई, की बादशाह ही है 20 की स्पीड पर चलाएंगे इस साइड पर, तो ये भी हिंदुस्तानियों की बादशाह ही है कि हमें अपनी मर्जी से चलाना है। अभी कहां पर जा रहे हैं, धूप लगी है आज, काफी अच्छी धूप लगी है, इतनी ठंड नहीं है, नहीं तो कल परसों तो काफी ठंड थी बादलों के कारण, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये आ गया मेट्रो स्टॉप, बस स्टॉप। तो यहाँ से निकलते हुए बाबा जी के दूर से ही दर्शन करते हुए चलते हैं अमृतसर को। तो यहाँ से ही नमस्कार कर देते हैं बाबा जी को, वाहेगुरु सतनाम। तो अभी आगे चलते हैं। आज चलते हैं मॉल, तो अभी मैं जा रहा हूँ मॉल। वो है काफी बड़ा मॉल है अमृतसर का, उसका नाम भी बता देते हैं आगे जाते जाते हुए। अभी हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट लेंगे आगे मॉल आ जाएगा, वो मॉल है ट्रिलियम मॉल। काफी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, आप डिजाइन देखोगे डिजाइन बहुत अच्छा है उसका। तो वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं वहाँ पर भी। काफ़ी समय हुआ मैं कभी गया ही नहीं वहाँ पर, जब से लॉकडाउन हुआ है कम से कम 3-4 मंथ हो ही चुके हैं मुझे भी, वहाँ पर गया नहीं मैं। बस वाले को रास्ता चाहिए अभी। छोटी सी गाड़ी है तो कहीं से भी निकल जाएगी। बस और 1 किलोमीटर होगा जो ट्रिलियम मॉल है, तो वहाँ पर जाते हैं थोड़ा सा घूमते हैं। और क्या करने क्या आए, घूमने आए हैं, थोड़ा सा घूमेंगे तो मज़ा लेंगे। बाइक हम बाहर ही लगा देंगे, तो अभी वहाँ पर ही जाते हैं। ऐसे रोड खाली खाली हो तो मज़ा तो आएगा ही अलग से,
ऐसे तो गाड़ी चलाने में मजा आएगा कि सही है यार, जाम तो नहीं है कहीं। और मैं साथ साथ किसान भाइयों की भी बात कर लेता हूँ। तो भाई क्यों सरकार इतना तंग कर रही है किसानों को? मैं भी किसानों का बेटा हूँ, तो ऐसे मत करो यार। अगर आप MSP की गारंटी दे रहे हो, गारंटी की बजाय आप रिटर्न में दो। रिटर्न में देने में क्या फ़र्क है? अगर गारंटी देते हो गारंटी में, तो रिटर्न में फ़र्क क्या रहता है? तो इतनी सी प्रॉब्लम में पूरा पंजाब आज दिल्ली गया हुआ है। तो अभी आपको दिल्ली वालों को अभी समझ आ रही कि बातचीत करते हैं, तो पहले 2 महीने से क्या कर रहे थे? कोई बातचीत नहीं करते थे। तो चलो अभी हम मॉल आ चुके हैं, वो सामने मॉल है ट्रिलियम मॉल। देखो कितना अच्छा डिजाइन बना है, वो पीछे ताज होटल आ जाता है टाटा का। तो सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट आ जाएंगे, बाइक हम कहीं भी लगा देते हैं। यहाँ पर आकर कुछ अलग फील आता है, जैसे फॉरेन आ चुके हैं। तो अभी तो आ चुके हैं ट्रिलियम, अभी एंटर करते हैं। तो ये बिल्डिंग है, इसकी ऊपर ही रोड आ जाती है, और यहाँ पर साइड पर देखेंगे तो साइकिल का ट्रैक भी आ जाता है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो जो वो सामने रास्ता जाता है एंट्री गेट के आ जाता है, एक और सामने पीछे दिख रहे हैं गाड़ी की पार्किंग का आ जाता है, और एक इस तरफ इसका पार्किंग का आ जाता है। तो यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। तो चलो अभी एंट्री करते हैं। तो चलो अभी अंदर चलते हैं, सामने एंट्री आ जाती है। और सामने बिल्कुल कितना शानदार लिखा हुआ है, आई लव अमृतसर। वैसे तो अमृतसर है, प्यार से छोटा नाम रखा हुआ है अमृतसर। जिसकी दूरी होगी 10 किलोमीटर नियर बोर्ड होगी, तो मास्क लेकिन मैंडेटरी है। तो मैं आपको पहले ताज होटल दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप स्टे करते 5-स्टार होटल आ जाता है, तो वो देखिए। तो ये होटल आ जाता है ताज का, टाटा का होटल है। तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, और साथ में ही जो मैंने बिल्डिंग आपको बताई है, दोनों तरफ मॉल आ जाता है। सामने बिल्कुल सारे आपको ब्रांड दिख जाएंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड ब्रांड आ जाते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर की ओर, और सामने आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल। तो हम ऊपर को जाते हैं। दूसरी तरफ अगर जाना हो दूसरी बिल्डिंग में, तो वहाँ सामने से रास्ता जाता है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं दूसरी बिल्डिंग में। लेकिन हम अभी जाएंगे फूड कोर्ट की तरफ, तो चलते हैं फूड कोर्ट की तरफ। कोरोना की वजह से काफ़ी शॉप्स जो बंद भी हो चुकी हैं, कुछ नई खुल चुकी हैं। ये भी लाइफस्टाइल में सेक्शन में आ जाता है, होम सेंटर, जिसके अंदर से ही हम जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं सबसे पहले फूड कोर्ट ही जाऊंगा, उसके बाद आपको पूरा मॉल दिखाता हूं। तो अभी सामने जो आने वाला है वो है फूड कोर्ट। तो हम फूड कोर्ट की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले आपको ये पिज़्ज़ा हट मिल जाएगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल।
लेकिन अब कोविड की वजह से रश काफ़ी कम होता है। यहाँ से आप कैश काउंटर से कार्ड बनवाना पड़ेगा अगर आप कुछ भी खाना चाहते हो तो। लेकिन हम जाते हैं KFC को, KFC के लिए कार्ड नहीं बनाना पड़ेगा, तो हम KFC के लिए कुछ खाते हैं फिर चलते हैं आगे। अभी ऑर्डर तो कर दिया है KFC से, तो अभी देखते हैं, पहले खाएंगे, खाने के बाद मैं आपको बाहर दिखाता हूँ जो अमृतसर है, यहाँ से पूरा दिख जाएगा बिल्डिंग अगर वो शोर खुला होगा। यहाँ पर आकर कुछ अलग ही नज़ारा आता है, पूरा अमृतसर दिखता है यहाँ से। तो अभी हम दूसरी बिल्डिंग में आ चुके हैं, इस तरफ से भी रास्ता आता है, लेकिन अभी सब कुछ बंद हो चुका है। लेकिन ऑलरेडी कुछ शॉप्स अभी खुली हैं, कुछ ऑलरेडी बंद अब हो चुकी हैं, तो काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। जैसे कि सामने होता था रिलायंस डिजिटल होता था, वो भी बंद हो चुका है। एप्पल की शॉप होती थी नीचे, वो भी बंद हो चुकी है। इसका कारण है कोविड, और जो सभी जो शॉप्स हैं वो शिफ्ट हो चुकी है मॉल ऑफ अमृतसर। तो अभी हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर पर अभी काफ़ी हद तक शॉप्स अवेलेबल है। तो अभी सामने से हम बाहर चले जाएंगे। अभी मैंने आपको दूसरी बिल्डिंग नहीं दिखाई जिसमें आपको खाने के लिए चीज़ें मिल जाए, बिग बाज़ार आ जाता है और भी काफ़ी उसमें आ जाते हैं, पेंटालून आ जाता है। तो दूसरी बिल्डिंग में काफ़ी है जहाँ से हम गए थे, लेकिन अभी हम जाते हैं बाहर को। तो अभी रात भी हो चुकी है। तो ये है नज़ारा ट्रिलियम मॉल का, यहाँ पर शाम को आने का नज़ारा अलग है। वहाँ पर सामने लोग बैठे होते हैं और इन्जॉय करते हैं, हमारे जैसे अकेले करते इन्जॉय करते हैं और कुछ कपल इन्जॉय करते हैं। तो हम ऐसे ही अभी बाहर को चले जाते हैं और आगे जाते हैं कहीं घूमने, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे।